पेरेंटिंग स्टाइल का मतलब होता है बच्चे की परवरिश करने का तरीका। आपका पेरेंटिंग स्टाइल बच्चे के वर्तमान और भविष्य को बहुत हद तक निर्धारित करता है। आप किस तरह से बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, उनके किन सवालों का क्या जवाब दे रहे हैं और उनकी बदमाशियों और शरारत पर किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, ये बच्चों के कैरेक्टर को सही ढंग से बनाने में बहुत बड़ा योगदान निभाता है। आपका पेरेंटिंग स्टाइल सिर्फ आपके बच्चे ही नहीं, भविष्य में बच्चे के बच्चे की परवरिश में भी बड़ा योगदान निभाएगी, क्योंकि आपका बच्चा आज जो आपसे सीखेगा भविष्य में अपने बच्चों पर भी वही लागू करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या बच्चों की परवरिश करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। जी हाँ, दुनिया भर में होने वाली तमाम रिसर्च में यह सामने आया है कि माता पिता अपने बच्चों को अलग अलग तरह से पालते हैं। किसी भी माता पिता का अपने बच्चों की परवरिश करने का स्टाइल हूबहू एक जैसी नहीं हो सकती। मोटे तौर पर पेरेंटिंग के चार मुख्य तरीके होते हैं। वैसे तो बदलते समय के साथ बहुत से नए नए पेरेंटिंग स्टाइल सामने आ रहे हैं, लेकिन वो मुख्य रूप से इन्हीं चार पेरेंटिंग स्टाइल्स के हिस्से हैं। चलिए आपको बताते हैं कौन से हैं वह चार मुख्य पेरेंटिंग स्टाइल और उनका आपके बच्चों पर क्या असर पड़ता है। अथॉरिटेरियन, अथॉरिटेटिव, परमिसिव, अनइन्वॉल्वड। चलिए आपको बताते हैं ये अलग अलग पेरेंटिंग स्टाइल किस तरह से पहचाने जा सकते हैं। अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग, आप ऐसा सोचते हैं कि बच्चे को या उसकी बातों को सुना नहीं जाना चाहिए। जब रूल्स की बात आती है तो आप मानते हैं कि आपका कहां ही ब्रह्म वाक्य होना चाहिए। आप बच्चे के लिए कोई फैसला लेने से पहले उसकी फीलिंग और भावनाओं को ध्यान में नहीं रखते हैं। पेरेंट ये मानते हैं कि बच्चों को हर नियम और कायदा बिना किसी सवाल के मानना चाहिए। इन पेरेंट्स का सबसे फेवरेट वाक्य होता है, क्योंकि मैंने कहा है इसीलिए तुम्हें मानना पड़ेगा। जब भी बच्चा उनके पेरेंटिंग स्टाइल को सवाल करते हैं तो वह यही कहकर अपने बच्चों को चुप कराते हैं। ऐसे पेरेंट्स बच्चों से बातचीत करने और उनके मन की बात जानने में इंटरेस्ट नहीं होता और वो सिर्फ अपने रूल्स उन पर थोपते हैं। इसके अलावा वह बच्चों के ओपिनियन जानने में भी कोई खास रुचि नहीं लेते। अथॉरिटेरियन पेरेंट्स बच्चों को गलती होने पर सजा देते हैं और मानते हैं कि सजा देना, यहां तक कि उन पर हाथ उठाना भी बच्चे को सुधारने के लिए जरूरी है। चलिए जानते हैं कि इस पेरेंटिंग स्टाइल का बच्चे पर क्या असर होता है। वह बच्चे जिनके पेरेंट्स उन्हें बहुत स्ट्रिक्ट माहौल में पालते हैं, वह अक्सर बड़े होकर दो तरह से रिएक्ट कर सकते हैं। या तो ये बच्चे बहुत डिसिप्लिन और नियम कानून को मानने वाले होते हैं, या तो इसके ठीक उलट यानी हर तरह के नियम कानून से बगावत करने वाले होते हैं। इसके साथ ही अथॉरिटेरियन पेरेंट्स के बच्चों में सेल्फ एस्टीम से जुड़ी बहुत सी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बचपन से ही कभी उनकी सोच और ओपिनियन को वैल्यू नहीं मिली है। यही वजह है कि उनमें कॉन्फिडेंस की कमी भी हो सकती है। कई बार ऐसे बच्चे बहुत गुस्सैल और लड़ाकू स्वभाव के हो जाते हैं। इसके पीछे भी यही वजह है कि बचपन से कभी उनकी आवाज़ सुनी नहीं गई, इसीलिए बड़े होने पर वह चीख कर और लड़ झगड़ कर अपनी बात सुनाना और मनवाना चाहते हैं। चलिए अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग को एक वीडियो के माध्यम से समझते हैं। बिना वाली एक से भी नहीं खा सकती। मैं एक राजकुमारी हूँ, सबके लिए आदर्श हूँ। मुझ पर जिम्मेदारियों और उम्मीदों का बोझ है। मेरी पूरी जिंदगी पहले से तय हो गई है। मुझे उस दिन के लिए तैयार किया जा रहा है जब मैं अपनी माँ जैसी बनूंगी। फिलहाल मेरी जिंदगी पर उनका हक है। मुद्दतों बाद मिलती है जिंदगी जब हम होते हैं। जोर से मुद्दतों के बाद मिलती है। मुद्दतों बाद, तुमने मुद्दतों कहा। अगर शायरी के शब्द सही ना हो तो सब बेकार है। ये वैसे भी बेकार है। मैंने सुन लिया, फिर से शुरू करो। राजकुमारी को अपने राज्य के बारे में पता होना चाहिए। वो ये सब नहीं करती। मेरे नाम तुम गलत बचा रही हो। राजकुमारी बस आवाज नहीं करती, सुबह जल्दी उठती है। वो दयालु होती है, सहनशील और सतर्क, सफाई पसंद। और सबसे जरूरी बात, एक राजकुमारी पूरी कोशिश करती है कि वो हर काम में माहिर हो। मेरिडा, मैंने आज तक तुम्हें राजघराने के सारे तौर तरीके रस्म और रिवाज सिखाए। तुम्हें वो सब दिया जो हमें नसीब नहीं हुआ। अब तुम ही बताओ, तुम हमसे और क्या चाहती हो? इस स्वयंवर को रद्द कर दो। क्यों फर्क पड़ेगा, आप रानी हो। आप अभी के सरदारों से कह दो कि राजकुमारी अभी तैयार नहीं है और शायद कभी भी तैयार नहीं होगी। बस इस बात को यही पर खत्म करते हैं। चाहो तो कल सुबह जंग छेड़ देना। मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें ये सब गलत लग रहा होगा। मुझे भी अपनी शादी से एतराज हुआ था, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते। मैं घुटघुट कर नहीं जीना चाहती, मुझे आजादी चाहिए। पर क्या तुम अपनी आजादी की कीमत चुकाने को तैयार हो? मेरा इरादा आपको चोट पहुंचाना नहीं है। तुम समझती क्यों नहीं कि मैं चूक कर रही हूँ? उधर से भली के लिए कर रही हूँ। ये मेरी जिंदगी है, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। तुम तैयार हो जाओगी, बस अगर तुम, मैं आपको अपनी बात समझा सकती। माँ, अगर आप सुनो। सुनो
सच में एंगस, मैं अपनी ज़्यादा सुन नहीं होने दूंगी। अगर मेरा सारा भी बस चले तो। उफ, तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। मेरी सांस आ रही है। जरा मुड़कर दिखा। नहीं पा रही हूँ, ये बहुत तंग है। बिल्कुल सही है। बेटा, हाँ, तुम मुस्कुराना मत भूलना। मुझे तंग मत करो। Authoritative parenting. माँ बाप अपने बच्चे के साथ पॉजिटिव रिश्ते बनाए रखने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और चाहते हैं कि आपके और उनके रिश्ते बेहतर हों। आप अपने बच्चे को उन पर लागू होने वाले रूल्स के पीछे की वजह खुलकर बताते हैं। आप उन पर रूल्स लागू करते हैं और उन्हें तोड़े जाने पर बच्चों को सबक भी देते हैं, लेकिन ऐसा करने के दौरान आप बच्चों की भावनाओं को ध्यान में रखते हैं। ऑथोरिटेटिव पेरेंट अपने बच्चों के लिए रूल्स बनाते हैं और उन पर लागू भी करते हैं, लेकिन इसके दौरान वह बच्चों के भावनाएं और उनके ओपिनियन भी ध्यान में रखते हैं। वो अपने बच्चों की फीलिंग को समझते हैं और उन्हें यह भी बताते हैं कि फिलहाल बच्चों की देखभाल और उनके लिए फैसले लेने के लिए माता पिता मौजूद है। ऑथोरिटेटिव पेरेंट्स अपने बच्चों के स्वभाव और हरकतों को समझने और उन्हें बेहतर बनाने में समय और एनर्जी व्यतीत करते हैं। इस बात की भी पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चों को पॉजिटिव डिसिप्लिन सिखाया जा सके, ताकि उनके अच्छे व्यवहार के लिए उन्हें इनाम मिले और बुरे व्यवहार के लिए उन्हें उसका दंड भुगतना पड़े। रिसर्च बताती है कि अथॉरिटेटिव पेरेंट्स के बच्चे बड़े होकर रिस्पॉन्सिबल एडल्ट बनते हैं, जो अपनी भावनाएं खुलकर व्यक्त कर पाते हैं। बचपन में उनके पेरेंट्स ने उनके ओपिनियन और भावनाओं की कद्र की थी। यही वजह है कि वह अपनी भावनाएं लोगों के सामने खुलकर व्यक्त कर पाते हैं। वो दूसरों के ओपिनियन और भावनाओं की भी कद्र करते हैं। अथॉरिटेटिव पेरेंट्स के बच्चे डिसिप्लिन की वैल्यू को समझते हैं और बड़े होकर खुश और सफल एडल्ट बनते हैं। इसके साथ ही वह अपने जीवन से जुड़े फैसले लेने में भी सफल होते हैं और रिस्क लेने के दौरान अपनी सुरक्षा का ख्याल भी बेहतर तरीके से रख सकते हैं। Oh no, honey. I'll tell you one thing. Playtime is over. Your friends are no longer allowed in the house. Wait. Your friends are no longer allowed in the house. Wait, what? No, no, we'll talk about it in the morning. Fine. We'll talk about it in the morning. We'll talk about how your friends are no longer allowed in the house.
TV, and then Simone comes over here and starts changing the channel. Is that what happened? Yeah, but she's been watching TV all day, and it's my turn. Sydney? Okay, but she could have asked before she changed the channel. So, Simone, what would have been a better response? To ask her for the remote. Why didn't you ask her? I don't know. And did you even think to ask her sister if she wanted to watch something else? No. In the Bible, Jesus says that we should think of others before ourselves. That we should put the needs of others before our own. Have you girls done that here today? No. Today? No. Well then, what is the right thing to do? Sorry, Samara. That's okay. I forgive you. You forgive me? Of course. I'm so proud of you girls. However, next time you guys fight over the TV, you will lose privileges for a week. Is that understood? Permissive parenting. माँ बाप बच्चों के लिए रूल तो बनाते हैं लेकिन कभी उन्हें लागू नहीं करते। बच्चे की गलती करने पर भी आप उन्हें उससे जुड़ा कोई सबक नहीं सिखाते। आप समझते हैं कि आपका बच्चा तभी बेहतर सीख सकेगा जब आप उसकी जिंदगी में ज्यादा दखल नहीं देंगे। परमिसिव पेरेंट अक्सर बहुत रिलैक्स और लीनियंट होते हैं। वे बच्चों के मामले में तभी इन्वॉल्व होते हैं जब कोई सीरियस समस्या हो। वह अक्सर यही रवैया अपनाते हैं कि बच्चे तो बच्चे ही रहेंगे। वह बच्चों को अगर सजा देने की कोशिश करते भी हैं तो बच्चों के रोने धोने पर उन्हें माफ कर देते हैं। परमिसिव पेरेंट्स अक्सर पेरेंट ना होकर एक दोस्त की भूमिका निभाने की कोशिश करते हैं लेकिन इस वजह से वो बच्चों को एक इमोशनल सपोर्ट देने में असफल हो जाते हैं। वह अपने बच्चों को उनकी समस्याओं के बारे में बात करने के लिए उत्साहित करते हैं लेकिन अगर बच्चा कोई बुरा निर्णय ले रहा है तो यह फैसला उसी पर छोड़ देते हैं कि वह अपने जीवन के साथ क्या करना चाहता है। अक्सर यह देखा गया है कि परमिसिव पेरेंट्स के बच्चे पढ़ाई लिखाई में पिछड़ जाते हैं। उन्हें शिक्षा से जुड़े क्षेत्र में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही रूल्स और अथॉरिटी के साथ काम करने में असफल महसूस करते हैं। You know, if you need anything, don't be shy, okay? What? There are no rules in this house. I'm not like a regular mom. I'm a cool mom. Right, Regina? Please stop talking. Okay. This is your room. It was my parents' room. Here's the door. Julian has been displaying some odd behavior. Last week he spilled tuba. And then one of our students wore rollerblades for show and tell. And Julian tripped him with a stick. Julian found it hilarious. Your boy's making the least progress of any of the children in the class. And frankly, his personal hygiene is becoming a cause for concern. He's the smelly kid in class? I let him become the smelly kid in class? What the hell's the matter with me? I'm the smelliest. All right, I got you, ma'am. Take it easy. What do you think I should do? Here we go again. Then you'll get your golden goose as soon as we get home. Monka, how much do you want for the golden goose? They're not for sale. Dang, I promise. She can't have one. This is my chance. None of the funny hats. I want one. I want the golden Uninvolved parenting. आप अपने बच्चे से उसके स्कूल का होमवर्क के बारे में कुछ नहीं पूछते। आपको कम ही पता होता है कि आपका बच्चा कहाँ है, क्या किसके साथ है। आप अपने बच्चे के साथ बहुत अधिक समय बिताना पसंद नहीं करते। अनइन्वॉल्वड पेरेंट्स को अपने बच्चों के बारे में बहुत कम जानकारी होती है। वह बच्चों को बस उनकी मूलभूत जरूरत है जैसे रोटी, कपड़ा, मकान आदि दे देते हैं लेकिन वह अपने बच्चों के बारे में या उनकी भावनाओं को बहुत अधिक ना जानते हैं, ना समझने की कोशिश करते हैं। अक्सर ये पेरेंट्स जानबूझकर ना सही लेकिन अनजाने में ही अपने बच्चों को लगातार निग्लेक्ट करते रहते हैं। इस वजह से वह बच्चे की शारीरिक और मानसिक जरूरतें पूरी नहीं कर पाते। ऐसे पेरेंट्स के बच्चे अक्सर अपने जीवन में सेल्फ एस्टीम और मानसिक समस्याओं से जूझते हैं।
यह बच्चे स्कूल में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते और उनमें गुस्सा और अग्रेशन भी बहुत देखा जाता है। इन बच्चों को नॉर्मल जिंदगी जीने और बिताने में बहुत समस्याएं आ सकती हैं। I'm busy. Can you not see I'm busy? Why don't you go make yourself something to eat? Go.